बंधुगण आपणको जणाथिबो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत अपेक्षा उत्तर और पश्चिम भारत में अधिक शक्तिशाली संगठनात्मक एवं सीट दृष्टिकोण रु दक्षिण भारत में बीजेपी सबुबेले पछरे रही मिशन 2024 भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत को नहीं एक खास रणनीति प्रस्तुत करुच्ची। रणनीति रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बा आरएसएस जरिया पूरा करा आपण को मन थी गृहमंत्री अमित शाह किछि दिन तले तेलंगाना जाइथिले से एक जनसभा रे कहिथिले जे देशर अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु ही मिलिबो। तेणु एथरो स्पष्ट संकेत मिलुछि जे नरेन्द्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र छड़ा तमिलनाडु जेकोसी स्थान से लड़ी पारती अर्थात देशर दुईटी आसन रु से निर्वाचन ओह्ल पारती सीट कथा कह कोयंबटूर किंबा रामेश्वरम आसन रु लड़ी पारती आवे केन्द्र सरकार किद ते वाराणसी तमिल संगम किंबा तमिल गुजराती संगम करापड़े बीजेपी दक्षिण भारत किंबा तमिलनाडु को नहीं किसी तो गोटे प्लान करुच्ची। यह छड़ा बीजेपी खास रणनीति प्रस्तुत करुच्ची। प्लान विषय कहवा पूर्व आपण मानक अनुरोध आम चैनल को टिके सब्सक्राइब कर दिंतु एवं जदि भिडियोटी आपको पसंद आसीब ताल दया करे लाइक कर दिंतु। दर्शक बंधु आम जो तथ्य आपण मानक आगे सेयार करूँ ता जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई केरल संघर 5000 अधिक शाखा अच्छी सबुठारु अधिक शाखा अच्छी कन्नूर जिले में। कन्नूर से ही जिला अटे जोठी वामपंथी एवं आरएसएस मध्य हिंसा लग रही है। 180 रु 200 आरएसएस कार्यकर्ता मृत्यु हो सारी। से गुजरात में लगातार भाव बीजेपी सरकार गढ़ुची एवं सेठी आरएसएस 3000 रु अधिक शाखा अच्छी और केरल 5000 अधिक शाखा अच्छी। तमिलनाडु रे गत 2 वर्ष भितर आरएसएस एवं बीजेपी मिसिकी एक कैंपेन चलाइथिले जो कैंपेन थिला डोर टू डोर एवं जनवरी 2023 पर्यंत जहाँ रिपोर्ट न्यूज चैनल रे कहा जाय छे जे तमिलनाडु रे 50% घर को आरएसएस पहुँची गला तो बुझी पार्छन तो 50% घर को आरएसएस पहुँची गला। तमिलनाडु रो संघ प्रचारकों कहवा अनुजाई 1980 ठारु आज पर्यंत आम 68 स्वयंसेवकों को हरायचु हिंसा रे। 1998 कोयंबटूर बम विस्फोरण हो 1993 चेन्नई में होता जो आरएसएस मुख्यालय ऊपर हमला हो आमर स्वयंसेवकों मृत्यु होती अनेक पटे दर्शक बंधु देखा जिते जिते समय बीती चलला दक्षिण भारत में द्राविड़ राजनीति दृश्यपट संपूर्ण बदली चलला। द्राविड़ राजनीति में जी फिट हो पारानी से आरएसएस सामिल है। जदि अनेक पटे देखा कर्णाटक संघर शाखा बढ़ी बढ़ी चलुची जो भाव लिंगायत समाज बीजेपी में मिशुचार उत्तर भारत में जमी ओबीसी एवं दलित बीजेपी बड़ भोट बैंक से हीपरी भाव दक्षिण भारत में यही संप्रदाय बीजेपी सहित मिसाप गोटे बड़ भोट बैंक हो पार बोली अनेक बुद्धिजीवी कहते। जदि आम आकलन कथा कह तमिलनाडु ओबीसी एवं दलित भली संप्रदाय बीजेपी सहित अल्प किसी मिसीगले बीजेपी दक्षिण भारत में शक्तिशाली हो 5% रु 7% भोट बीजेपी बढ़ी जदि 4% ओबीसी एवं 8% दलित जदि तमिलनाडु बीजेपी सहित मिसीजे तेज बीजेपी पखापाखि 15 रु 16% भोट बैंक बढ़ी। तेणु आरएसएस कार्यकर्ता एवं लगि पड़ते बीजेपी चाहूँगी से एका निर्वाचन लड़ब ना डीआईएमके ना एआईडीएमके सहित मिसिकी लड़बनी। से हीपरी भाव केरल संघर्ष एमती साफ रणनीति रही ईसाई धर्मर लोकों सहित मिसिकी रणनीति प्रस्तुत करल जी हिंदू कष्ट से ख्रीस्टियान भी कष्ट उभय धर्मर लोके लव जिहादर शिकार होती जदि पीएफआई प्रसारित हो तो से चर्च उपर हिंसा घटाऊँ हिंदू उपर भी हिंसा घटाऊँ से केरल चर्चर प्रमुख एवं आरएसएस प्रमुख सहित बहुत थर मीटिंग हो सारी। केरल जी ईसाई अच्छा राहुल एवं सोनिया गांधी गाड़ को समर्थन करती किंतु वर्तमान स्थिति देखिले से ईसाई धर्मावलम्बी मैंने बीजेपी सहित जीवाक पसंद करेंगे।
2024 न हो पे कि दिने केरल ईसाई एवं हिंदू मिसिक लड़े और बीजेपी को सी शक्तिशाली कराइबे। एबे दक्षिण भारत में आउ दुईट राज्य रहा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जितेबले दुईट संयुक्त होते सेतेबले आरएसएस आदिवासी इलाक सक्रिय था जमीक वनवासी कल्याण आश्रम जरिया धर्मांधिकरण रोकवाई संघ से सक्रिय था से संघ एवं लगिपड़ी जातीय मीडिया अनुसार तेलंगाना बीजेपी सेठी तीनोटी सीट जीति पारे। स्पष्ट भाव जमापड़ी बीजेपी दक्षिण भारत में सक्रिय हो दक्षिण भारत मुख्य चेहरा अन्नामलई जरिया वर्तमान बीजेपी हाइलाइट होजेपी चाहती लोकसभा बिहार उड़ीसा पश्चिम बंग सीट जदि न पाए तो दक्षिण भारत सीट जीतने मेकअप हो तेणु एथर नरेन्द्र मोदी दक्षिण भारत में ढड़ा हो पारे। जदि नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु कि दक्षिण भारत कौन से राज्य में जदि निर्वाचन मैदान ओह्लैबे बीजेपी सारा भारत में पुणी थे शक्तिशाली हो उठ तेणु दर्शक बंधु आमर यह नलेजेबुल वीडियो जदि आपको पसंद आल दयाक लाइक कर आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ कमेंट रे आपण मतामत रखु। भारत माता की जय।